प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित, हरियाणा की अवधि को 28 जून तक बढ़ाया गया। दुकानों को रात्रि 8 बजे तक खोलने की मिली अनुमति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी क्षेत्र में रोमांचक खेल गतिविधियों का किया शुभारंभ, कहा इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुरुक्षेत्र जिले की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल करेंगी भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदियां 28 जून तक लागू रहेंगी। राज्य में कई प्रतिबंधों से छूट भी दी गई है। अब दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया है। अब धार्मिक स्थलों को भी एक बार में 50 लोगों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही विवाह समारोह और दाह संस्कार में भी अब 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की पॉजिटिविटी दर तथा नए पॉजिटिव मामलों में एकाएक गिरावट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कार्यालयों में अवर सचिव, इसके समकक्ष अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति की बजाय 50% घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के लिए जारी 16 अप्रैल 2021 तदोपरांत 30 अप्रैल 2021 को दिव्यांग कर्मचारियों व गर्भवती महिला कर्मचारियों तथा कई तरह की स्थायी बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को आवश्यक सेवाओं के लिए ड्यूटी पर न बुलाने के लिए जारी आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मोरनी क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, हॉट एयर बलून, जेट स्कूटर, ई हाइड्रोफिल और रोलर डॉर्मिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी क्षेत्र के विकास की दृष्टि से यहां इन रोमांचक खेल गतिविधियों को आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन खेलों के प्रशिक्षण के लिए बनाए गए क्लब का नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर रखने का अनुमोदन किया। इस प्रकार का एक जो प्रोजेक्ट राज्य में चलाया है, इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, टूरिज्म से प्रदेश की, इलाके की आर्थिक प्रगति भी होती है। उन्होंने कहा कि कालका से कलेसर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि इन स्थानों का सभी लोग भ्रमण कर सकें। टूरिज्म हब के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम। अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है, या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। ऐसे ही बैलून, हॉट एयर बैलून, इसका भी आज हमने यहाँ प्रयोग किया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसके अनुकूल तो नहीं है। इसको हम शिफ्ट करके और पिंजौर से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के कारण से वायु का जो दबाव होता है वो अलग प्रकार का उनको जो चाहिए, वो ये स्टेशन उन्होंने एक प्रकार से मना किया है, लेकिन पिंजौर का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। पिंजौर से पिंजौर गार्डन, पिंजौर एयरपोर्ट, फिर पंचकुला मैदानी इलाका और एक प्रकार के सारे पहाड़ी इलाके भी, मैदानी इलाके भी, झील भी, सब चीज़ों का दर्शन उसमें कर पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों में रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगी। टोक्यो ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय महिला हॉकी टीम का चयन किया गया है, जिसकी कप्तान रानी रामपाल को बनाया गया है। रानी रामपाल इससे पहले भी हॉकी में कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद की रहने वाली रानी रामपाल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से शाहबाद में खुशी का माहौल है। रानी रामपाल के परिजनों ने कहा कि रानी की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के नेतृत्व में ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत अवश्य होगी। हमारा
हमारे को ओलंपिक की सारे में बड़ी खुशी है लड़की की, जो कि ये दोबारा टोक्यो ओलंपिक के अंदर कप्तान बन के जा रही है, पहले भी थी और अब भी है। हमें बहुत बड़ी खुशी है इस चीज़ की। हम सभी बच्चों को ये कहते हैं कि मेहनत करो, और मेहनत करके कहीं से कहीं पहुंच सकते हो आप। आज हमें इतनी बड़ा गौरव है अपनी बेटी के ऊपर के सभी को होना चाहिए कि आज देखो इस मुकाम के ऊपर अपनी मेहनत की, गुरु की आज्ञा की बदौलत आज यहाँ। हम ऐसे बोलते हैं भी जैसे हमारी लड़की ओलंपिक में पहुंची है कप्तान के लिए, तो आगे और बच्चे भी पहुंचे हैं, तो देश के लिए मेडल लेके आए हमारी लड़की में, बहुत खुश हुआ। आगे की भी लड़कियों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहिए, खिलाना चाहिए, अपने देश के लिए नाम रोशन करेंगे लड़कियाँ ओलंपिक खेल में, और ये लड़कियाँ देश का नाम रोशन करेंगी जो आगे बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं और कर भी रही हैं। जो लड़कियाँ घर में रखी हैं रहती हैं उनको भी आगे आना चाहिए, उनके माता पिता को भी उनको आगे पढ़ाना भी चाहिए और आगे खेल कूद में भी आना चाहिए। कल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम सुबह 6:30 पर दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होगा। जिन लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल में अपने प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन्हें दूरदर्शन पर योग के लाइव कार्यक्रम को देखने और उसका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। योगासनों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जो सुबह 7:00 से 7:45 तक चलेगा। इसके बाद 15 आध्यात्मिक और योग गुरुओं की ओर से संदेश दिए जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य समेत सर्वांगीण विकास के लिए योग की भूमिका को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय स्वास्थ्य के लिए योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के लगभग 190 देशों में मनाया जाएगा। लाखों योग प्रेमियों ने अपने घरों से ही इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन की 75% डोज निशुल्क देना आरंभ करेगी। कल से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। अब केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। केंद्र के इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी, ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल पानीपत में योग दिवस को मेगा कोरोना वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा योग दिवस पर करीब 42 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 20,000 लोगों का कोरोना टीकाकरण करने का लक्ष्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र काद्यान ने बताया कि मेगा वैक्सीनेशन डे पर 18 से 44 आयु वर्ग और 45 से ज्यादा आयु के लोगों को पहले पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है, इन सब का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी नागरिकों से इन टीकाकरण शिविरों का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि टीकाकरण करवाकर सभी नागरिक स्वस्थ समाज का हिस्सा बने। हिसार निवासी उदिता रानी का टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में चयन हुआ है। महिला हॉकी खिलाड़ी उदिता ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। उदिता ने कहा कि वे ओलंपिक खेलों के लिए काफी मेहनत कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे स्वर्ण पदक जीतेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि ओलंपिक्स की टीम डिक्लेयर हो चुकी है और उसमें मेरा नाम है, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे ओलंपिक्स की तैयारी चल रही है अभी बहुत अच्छे से। बेंगलोर में हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, काफ़ी टाइम से, पूरे एक साल से हम लोग वेट कर रहे हैं ओलंपिक्स का, और होप सो हम लोग वहाँ पर जाके अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।
ओलंपिक्स में उदिता का चयन होने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उदिता के परिजनों ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उदिता के ओलंपिक्स में खेलने से वे सभी बहुत खुश हैं। हमें बहुत खुशी है, अभी हमारी बेटी ओलंपिक के लिए चुनी गई है इनके लिए, और हमें बहुत खुशी है। मेरी बेटी देश का नाम और हमारा नाम भी रोशन करेगी। उसके पापा हैंडबॉल खेलते थे, उसको देख देख कर वो प्रेरित हुई, तो हमें भी उसे कभी रोका नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भांजी उदिता देश का रोशन नाम करेगी, और सारे परिवार को भी बहुत खुशी है इस चीज़ की। रिसार पुलिस लाइन को भी, यानी कि सारे देश को, सभी को खुशी है कि वो गोल्ड मेडल हर कोशिश करेगी लाने की। उन्होंने ये फोर्स नहीं किया कि तुम्हें पढ़ाई के लिए जाना है या वो करना है, मतलब जो तुम्हें करना है तुम अपने करते रहो, बस जिस फील्ड में जाओ उसमें नाम रोशन करना। तो उसके बाद फिर उसने हॉकी वगैरह खेलना शुरू किया, फिर उसके बाद अब उसने देश का, हमारे परिवार का, गाँव का, सबका नाम रोशन किया। हॉकी कोच आजाद मलिक ने कहा कि ये गर्व की बात है कि हिसार स्थित साई सेंटर के खिलाड़ी का ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ है, इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार महिला हॉकी टीम ओलंपिक्स में अवश्य ही स्वर्ण पदक जीतेगी। लगता है कि मेडल टैली में जरूर इंडिया आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की तैयारियाँ हुई हैं, जो भी एक्सपोजर टीम को बाहर खेलने का मिला है, उसे लगता है कि टीम कहीं की मेडल टैली में। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 58,419 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 87,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 96.27% हो गई है। वहीं देश में अब तक 27,62,00,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। रिकवरी दर बढ़कर 98.45% हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 7,50,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लगभग 2,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। कोरोना महामारी के समय में मनरेगा योजना श्रमिकों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। नूह जिले में मनरेगा योजना से गरीब परिवारों को बहुत मदद मिल रही है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के मुख्य प्रबंधन अधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत गाँव में ही बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया करवाया गया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत गाँव में बहुत से विकास कार्य करवाए गए। 87,546 लोगों को मनरेगा में जॉब ऑफर किया, मतलब जिनके जॉब कार्ड बने, जिनको जॉब ऑफर किया, उसमें से 75,829 लोगों ने कार्य किया, और करीबन ये बन जाता है 47,77,020% हमने जनरेट किया। इतने परसेंटेज नूह जिले में मनरेगा का कार्य हुआ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स और हैं हमारे ज़िले की। टोटल 75,832 फैमिलीज इन्वॉल्व थी, उसमें से 3480 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि 100 दिन कंप्लीट कर चुकी हैं। ये हमारी स्टेट में हाईएस्ट है। मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे लोगों ने बताया कि कोरोना काल में रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई तो उनको मनरेगा में काम मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें 309 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन का रोजगार मिला, जिसका समय पर भुगतान हुआ। मनरेगा के तहत मिली धनराशि से उन्हें कोरोना काल में घर चलाने में सुविधा हुई। सर, लॉकडाउन में कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी तो काम जन्नत मिले नहीं, तो इसलिए गांव में जो हम सरपंच साहब से मिले, सरपंच साहब ने हमारे लिए जो मनरेगा मजदूर चल रही थी उसमें काम बताया कि मैं काम किया था। फिर पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब भी काम किया था, उसमें 309 रुपये मिले थे। अब लॉकडाउन लगा था इसमें काम किया था, इसमें 315 रुपये मिले। जैसे योजना मतलब बढ़िया योजना थी और बढ़िया सरकार है, मतलब बढ़िया काम कर रहा है।
प्रेस उठाया जी, सरपंच साहब से मिले, लॉकडाउन में काम थे नहीं था। सरपंच साहब पे गए, सरपंच साहब ने कही कि आप नरेगा में काम कर लो तो वहाँ से आपका खर्चा चल जाएगा। पिछले लॉकडाउन में तो 309 रुपये मिलती थी और अब 315। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जून तक बढ़ाया गया। दुकानों को रात्रि 8 बजे तक खोलने की मिली अनुमति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी क्षेत्र में रोमांचक खेल गतिविधियों का किया शुभारंभ। कहा इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुरुक्षेत्र जिले की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल करेंगी भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।